अगला हम प्रश्न को देखेंगे। गणित में मूल्यांकन के उद्देश्य क्या हैं? एक से अधिक विकल्प चुनिए। आगे की रणनीति एवं योजना निर्माण के लिए बच्चों के संप्राप्ति स्तर के मूल्यांकन के साथ शिक्षक के खुद के मूल्यांकन के लिए शिक्षक द्वारा अपनी शिक्षण तकनीकी की समीक्षा और सुधार के लिए कठिनाई जानने और उस पर कार्य करने के लिए सही है। शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में संस्था के विकास के लिए किए गए सार्थक बदलावों के पहलू हैं। शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में संस्था के विकास के लिए किए गए सार्थक बदलावों के पहलू हैं संबंध, प्रक्रिया, परिणाम और उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी होगा। फाउंडेशन लर्निंग शिविर की साप्ताहिक कार्य योजना में गणित की कक्षा में शून्य की समझ विकसित करना कौन से सप्ताह का लक्ष्य है? तो तृतीय। फाउंडेशन लर्निंग शिविर में शून्य की समझ विकसित करना तृतीय में। नकल करके पास होने से अच्छा फेल होना है, यह कथन किस पत्र से लिया गया है? बारबियाना स्कूल के बच्चों का अध्यापक के नाम पत्र। समय सारणी के अनुसार समूह सी के लिए प्रथम पीरियड के विषय हैं गणित। परवेशी अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है परवेश को समझना और उससे अपना संबंध समझ पाना। परवेश को समझना और उससे अपना संबंध समझ पाना। परवेशी अध्ययन के फोकल लर्निंग आउटकम हैं। परवेशी अध्ययन के फोकल लर्निंग आउटकम हैं बच्चे अपने बारे में, घर पड़ोस के बारे में, प्राकृतिक, भौगोलिक, सामाजिक अंतर संबंधों को खोज कर समझ पाते हैं। परिवेशी संसाधन स्थानीय स्तर पर उपलब्ध, कम खर्च में उपलब्ध, छात्रों का पूर्व परिचय होता है। कक्षा में ऐसा माहौल है कि बच्चे बिना डरे अपनी बात कहते हैं, हो रही प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं, कोई भी बच्चा छूटता नहीं है। इस सूचक के लिए पाया गया कि शिक्षक बच्चों को बोलने और भाग लेने के लिए मौके देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे 1 से 4 बिल्कुल भाग नहीं ले रहे हैं तो शिक्षक को स्वमूल्यांकन स्तर होगा बी। परवेशी अध्ययन शिक्षण के मानक E2 कक्षा से बच्चों को अवलोकन के पर्याप्त मौके हैं और वे अवलोकन का विश्लेषण करते हुए नतीजे तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, इसका सूचक सी है। पढ़ाने के दौरान कभी कभी शिक्षक कुछ अवलोकन करने के लिए कहते हैं। शिक्षक प्रदर्शन सूचकों का विकास किया गया है। शिक्षक स्वयं एवं प्रदर्शन का अवलोकन कर सके और समूह के साथ उसमें सुधार कर सके। शिक्षक स्वयं एवं प्रदर्शन का अवलोकन कर सके और समय के साथ उसमें सुधार कर सके। शिक्षक प्रदर्शन मानक और सूचक की 4 श्रेणियों में सम्मिलित नहीं है। विज्ञान शिक्षण शिक्षक प्रदर्शन मानक और सूचक की 4 श्रेणियों में सम्मिलित नहीं है तो विज्ञान शिक्षण। शिक्षण प्रदर्शन मानक सूचक की श्रेणी सामान्य शिक्षण विधि में सम्मिलित है। सहत संबंध एवं आकर्षक माहौल गतिविधि आधारित शिक्षण की ओर प्रारंभिक कदम सीखना सुनिश्चित करने की पहल उपयुक्त सभी। कक्षा प्रक्रिया में सुधार के लिए शिक्षक प्रदर्शन मानक और सूचक की श्रेणियां हैं। कक्षा प्रक्रियाओं में सुधार के लिए शिक्षक प्रदर्शन मानक और सूचक की श्रेणियां हैं सामान्य शिक्षण, भाषा शिक्षण, परवेशी अध्ययन और उपरोक्त सभी। शिक्षक प्रदर्शन मानक के सूचकों के कितने स्तर हैं? ABCD। शिक्षक के प्रदर्शन मानक सामान्य शिक्षण विधि के अंतर्गत सहज संबंध, आकर्षक माहौल का सूचक यदि यह है कि कुछ बच्चे बोल रहे हैं लेकिन कुछ समूह छूटे ही पड़े हैं तो इस मानक पर शिक्षक का स्तर क्या है? सी। शिक्षक के प्रदर्शन मानक भाषा शिक्षण के अंतर्गत सूचक बच्चों को पुस्तकालय से पुस्तक एक्शन सहित पढ़कर सुनाते हैं, चर्चा करते हैं, फिर स्वयं पढ़ने का मौका देते हैं। कि सापेक्ष यदि सूचक यह है कि पुस्तकालय का उपयोग नहीं करते तो इस मानक पर शिक्षक का स्तर क्या होगा? डी। पाठ्यचर्या से जुड़े किन लर्निंग आउटकम का रिकॉर्ड रखना अधिक उचित होगा? फोकल लर्निंग आउटकम। कैलेंडर की समझ विकसित होने से बच्चों में कौन से कौशल विकसित होते हैं?
समय का बेहतर उपयोग। हवाई जहाज क्या है? वर्ण पहचान में सहायक गतिविधि। हेलो जनवरी, हेलो फरवरी गतिविधि किस विषय संबंधित है? गणित। बच्चे विद्युत धारा का अर्थ सूत्र मात्र बता लेते हैं। किस कक्षा का लर्निंग आउटकम है? 8। कक्षा 3 में संख्याओं की समझ एवं गणितीय कार्य के लिए निर्धारित दस्ताओं की संख्या है 8। विभिन्न आकारों का उपयोग करते हुए नई आकृतियों का रचना करना ये दक्षता है गणित की। विभिन्न आकारों का प्रयोग करते हुए नई आकृति की रचना करना यह दक्षता होती है तो गणित की। बच्चे खुद के बारे में व साधारण परिस्थितियों के बारे में घर की भाषा में बात करते हैं, ये दक्षता है हिंदी की। बच्चे सम एवं विषम संख्या को पहचान लेते हैं, इसका एलओ कोड और कक्षा क्या है? M304 कक्षा 3।